एपिसोड के स्टडी में हम देखते हैं यहाँ पर सास्के अपने सुसानो को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। सारादा यहाँ पर सोच रही होती है सास्के और साकुरा के बारे में, जहाँ पर हम देखते हैं वो सोचती है, जहाँ पर साकुरा उससे माफ़ी मांगती है और वो कहता है कि नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं। और वो अगला सीन भी सोचती है जहाँ पर सास्के कहता है कि मेरी बीवी स्ट्रांग है, वो ये सबसे जल्दी मरने नहीं वाली है। जिसके बाद वो कहती है कि आखिर डैड क्या फील करते होंगे मेरी मॉम के बारे में। तभी नारुतो सारादा के कंधे पे हाथ रखता है और तभी सारादा नारुतो की तरफ देखते हुए कहती है कि नहीं, मुझे ये सब बाद में सोचना होगा, मैं ये सब कुछ बाद में सोचूंगी, फिलहाल अभी के लिए मुझे मॉम को बचाना है और मॉम मैं आ रही हूँ। सास्के यहाँ पर नारुतो को कहता है कि नारुतो अब तुम सेंस करो, और यहाँ पर नारुतो नाइनटेल चाकरा मोड में जाता है। जिसके बाद शीन को देखते हैं जो कहता है मैं ही सिर्फ हूँ जो इताची के विशेष को पूरा करूंगा और अकात्सुकी को रिवाइव करूंगा। जिसके बाद हम साकुरा को देखते हैं, वो कहती है तो ये तुम्हारा गोल है बट ये मेरे रहते हुए पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बेटी और अपने पति को हाथ भी लगाने नहीं दूंगी और मैं यहीं पर सब कुछ सेटल करूंगी। जिसके बाद वो ज़मीन पर पंच मारती है और पूरी ज़मीन हिलने लग जाती है और कहती है मैं मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर को कुछ होने नहीं दूंगी। यहाँ पर नारुतो और बाकी सब लोग शीन के हाइडआउट पे पहुँच जाते हैं और सारादा कहती है तो ये है वो शीन का हाइडआउट। और तभी सामने से बहुत सारे शीन आ रहे होते हैं। चोचू कहती है ये सभी की तो फेस सेम है, ये तीनों की शक्ल सेम क्यों है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो आगे बढ़ता है और उन लोगों को कैप्चर करने की कोशिश करता है। सास्के आगे की तरफ जाता है और सारादा भागते हुए बड़ी तेज़ी से आगे जा रही होती है। जिसके बाद सारादा एक शीन से बचते हुए उसको पार करके आगे की तरफ जाती है और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ अपनी मॉम को बचाने के लिए। नारुतो तभी कहता है कि जाओ तुम उसके पीछे जाओ, मैं यहाँ पर शीन को हैंडल कर लूँगा। जिसके बाद सास्के वहाँ चले जाता है और सोचो कहती है कि मुझे कौन बचाएगा। तभी नारुतो कहता है तुम नहीं सुनी कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और चोचो यहाँ पर ब्लश करने लग जाती है। तभी सामने सभी शीन खड़े होते हैं और वो नारुतो को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं फादर का ऑर्डर है कि किसी को भी अंदर जाने नहीं देना है। नारुतो यहाँ पर उसे मार नहीं रहा होता है और कैप्चर करने की कोशिश करता है। चोचो कहती है कि क्या आप उन्हें मारोगे नहीं। जिसके बाद वो कहता है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं मारूंगा, चाहे वो लोग शैडो क्लोन ही क्यों ना हो, बट वो लोग शीन को अपना फादर कहते हैं और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में ऐसा नहीं कर सकता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर साकुरा यहाँ पर अंदर शीन के साथ में लड़ रही होती है और यहाँ पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट रहता है, जहाँ पर साकुरा बहुत ही अच्छी तरीके से शीन के ऊपर हमला कर रही होती है, बट शीन यहाँ पर पूरे एरिया को अपने हाथ की मदद से कंट्रोल करता है और साकुरा की तरफ बढ़ता है हमला करने के लिए। तभी यहाँ पर साकुरा एक पीस उठाकर शीन की तरफ मारती है और शीन पीछे जाता है, बट शीन के पैर के पास में यहाँ पर हम देखते हैं पेपर बॉम्ब लगा रहता है, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है। तभी स्मोक के अंदर से बहुत सारी नाइफ्स निकलती है जो साकुरा के ऊपर अटैक करती है और साकुरा पानी के ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं सारादा भागते हुए अंदर जा रही होती है अपनी मॉम को बचाने के लिए। तभी वो एक ट्रैप पे पैर रख देती है और सामने से एक हमला आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सास्के यहाँ पर अपने अमातरासु की मदद से सास्के उस ट्रैप को जला देता है और वो कहती है डैड। जिसके बाद वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि साकुरा यहाँ पर बच जाती है बट उसके हाथ में दो ब्लेड लग जाती है और यहाँ पर शीन उस ब्लेड की मदद से साकुरा को ट्रैक कर लेता है और सभी ब्लेड को साकुरा की तरफ भेजता है। साकुरा के यहाँ पर कमज़ोर होकर गिर जाती है और शीन कहता है कि कोई भी मेरी शरिंगन से बच नहीं सकता और वो यहाँ पर शुरिकेन की मदद से साकुरा पे हमला करने ही वाला रहता है। तभी हम देखते हैं सुसानो की मदद से सास्के उसे रोक डालता है और यहाँ पर वो शीन के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से शीन डॉच कर देता है बट उसके पैर पे लग जाती है। सारादा यहाँ पर भागते हुए साकुरा के पास आती है और वो कहती है कि क्या आप ठीक हो। तभी सास्के साकुरा के पास पहुँचता है और उसके हाथ से वो ब्लेड निकाल के अमातरासु की मदद से जला देता है और वो उसे थैंक्स कहती है। शीन यहाँ पर उसका पैर कटा रहता है और वो भाग के जाने की करता है और सास्के कहता है कि तुम हिल नहीं सकते और अब हम तुम्हें लीफ विलेज में लेके जाके एग्जामिन करेंगे। तभी सास्के उसकी तरफ बढ़ता है मारने के लिए बट शीन वहाँ पर सामने आ जाता है और शीन खड़े हो जाता है। सास्के कहता है मैं तुम्हें हटने के लिए कह रहा हूँ, मैं नारुतो की तरह सॉफ्ट नहीं हूँ, और वो उसके ऊपर हमला ही करने वाला रहता है। तभी सारादा उसे रोक देती है। तभी हम देखते हैं कि सास्के तो रुक जाता है बट यहाँ पर शीन अपने ही बेटे के पेट के थ्रू सास्के के ऊपर हमला कर देता है और उसका बेटा ऐसे ही मारा जाता है। शीन कहता है कि देख लिया तुम्हारी फीलिंग्स का नतीजा, तुम कमज़ोर हो चुके हो और अब मुझे लगता है कि टेबल टर्न हो चुकी है।
तभी साकुरा सास्की की तरफ बढ़ती है, बट वो अपनी ब्लेड की मदद से उसे रोक डालता है और यहाँ पर वो कहता है कि तुम उचिहा के लिए डिसग्रेस हो और अब तुम्हारी शरिंगन मेरी होगी, जिसके बाद मैं इताची की व्हील को कंटिन्यू करते हुए अकात्सुकी को रिवाइव करूँगा। साकुरा कहती है कि ये तुम्हारे डैड को हराने के लिए इतना इनफ नहीं है, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे सारदा, तुम टेंशन मत लो चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन में भागने लग जाती है, जिसके बाद शिन कहता है ओह तो तुम्हें मैं तीनों को एक साथ ही मारूंगा। तभी हम देखते हैं कि सास्के अपनी रेनेगन की मदद से प्लेस को स्विच करता है और सारदा यहाँ पर शिन को बहुत जोर का पंच मारती है और वो कहती है कि क्या तुमने कहा कि पेरेंट्स को कमज़ोर होते हैं, तुम्हें पेरेंट्स को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और बाहर हम यहाँ देखते हैं कि नरूटो ने आधे से ज़्यादा शीन को कैप्चर कर लिया होता है और बाकी शीन कहते हैं हमें जाना होगा, हमें बुलाया जा रहा है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। नरूटो कहते हैं लगता उन लोगों ने अपना काम कर लिया है तो हमें भी उनके पास जाना होगा, चलो चुचो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि साकुरा यहाँ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और सारदा उसे उठाती है, जिसके बाद हम शीन को देखते हैं कि वो अभी भी जाने की कर रहा होता है और वो कहता है कि अब सब कुछ ख़त्म हुआ नहीं है, और बाकी शीन वहाँ आने लग जाते हैं और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग मिलकर उसे इन लोगों को जितने भी हैं उन सभी लोगों को ख़त्म कर दो, जिसके बाद वो शीन मिल के अपने ही डैड के ऊपर हमला कर देते हैं और शीन कहता है क्या तुमने ये क्या किया, और सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, जिसके बाद वो शीन कहती है हमारा काम यही था कि हमें फालतू के फ्लैशेस को जो काम नहीं आते हैं उन लोगों को ख़त्म करना और आपने ही हमें ये सिखाया है फादर, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहते हैं कि आप अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो और आपकी पावर्स भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, तो अब इवॉल्व होने का टाइम है, अब हम आपके जीन्स हैं और हमें ताकतवर होना होगा, और वो अपने डैड को मार देते हैं। देखते ही देखते सारी जगह से बहुत सारे शीन आने लग जाते हैं। नरूटो कहते हैं आखिर वो कितने सारे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, और उसके डैड देख के शॉक जाती है कि इतने शीन कहां से आए, मैंने तो इन्हें बनाया भी नहीं था, आखिर ये सब लोग आ कहां से रहे हैं, जिसके बाद वो शीन कहते हैं हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद ही इवॉल्व हो रहे हैं और हमने ही अपने आप को बनाना चालू कर दिया है, और नरूटो यहां पर अपने शैडो क्लोन बनाता है और उन सभी शीन को रोकने की कोशिश करता है और उनसे लड़ रहा होता है। तभी एक बड़ा सा शीन आके उन लोगों के ऊपर हमला करता है और यहां पर सास्के उसे अपने सुसानों की मदद से हमला करते हुए कहता है मैं नरूटो की तरह वीक नहीं हूँ। तभी हम वो हाथ को देखते हैं और वो कहता है कि मुझे मास्टर को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, बट साथ ही साथ तुम भी आओगी मेडिकल निंजा, और वो अपने मास्टर और साकुरा को लेके जा ही रहा होता है, उतने में सास्के चिल्लाते हुए कहता है सारदा, जिसके बाद सारदा कहती है मुझे पता है मुझे क्या करना, और वो अपनी शुरिकन को उस हाथ की तरफ फेंकती है, वो हाथ पीछे जाता है, तभी सारदा भागते हुए उस हाथ की तरफ आती है और वो कहता है मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तभी शारंगन की अवेक करती है सारदा और उसके अटैक से डॉच करते हुए उसे पंच कर देती है, जिसके बाद हम देखती है कि वो बिल्कुल साकुरा जिसे अटैक करती है और ये देख के बहुत ज़्यादा सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर शीन नरूटो के ऊपर हमला कर देता है, बट नरूटो उसे अपने हाथ से पकड़ते हुए कहता है कुरामा शांत हो जाओ, और हम कुरामा को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ये देख के शीन बहुत ज़्यादा डर जाता है। नरूटो कहता है हम तुम्हें हमला नहीं करेंगे अगर तुम कोई बुरे काम नहीं करोगे तो, और सारे शीन वहाँ पर अपने हथियार फेंक देते हैं, वो कहता है ये अभी भी बच्चे हैं हमें बस इन्हें इतना सिखाना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शीन पड़ा रहता है, उसके मुंह से खून आ रहा होता है। सास्के उसे कहता है तो तुम इताची की व्हील पूरी करोगे, तुम्हें कुछ उसके बारे में नहीं पता। चोचो कहती है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल डेड जैसी हो गई है। तभी और यहाँ पर साकुरा सारदा को गले लगाती है, सारदा कहती है आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबा रही हो, और साकुरा कहती है सॉरी। उतने में सारदा कहती है कि डैड क्या आप मॉम से सही में रियली कनेक्टेड हो, कैसे, जिसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं कनेक्टेड हूँ क्योंकि तुम एग्जिस्ट करती हो सारदा, जिसके बाद सारदा रोने लगती है और चुचू कहती है सारदा कितनी लकी है। तभी हम सीन देखते हैं विलेज के अंदर, जहाँ पर शीन की यहाँ पर अलग एकेडमी रहती है और वो कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को अलग अलग नाम दूंगा, हम सबको एक साथ शीन नहीं बुला सकते, और आज से तुम सब यहीं पर रहोगे यहीं पर सीखोगे, और मेरा नाम है काबुटो, तो तुम किसी से शर्माना नहीं। और अगले सीन में हम सारदा को देखते हैं जो चोचो को कहती है कि ये मिशन तो तुम्हारे डैड को ढूंढने का था ना, और वो कहती है कि हाँ बट वो तो मिले नहीं, बट मुझे लगता है जो मेरे अभी करंट डैड है वही सही है, क्या पता मेरे रियल डैड कहाँ पर होंगे। तभी यहाँ पर वो लोग विलेज में जा ही रहे होते हैं, उतने में वो चोजी और इनो को देखती है और वो कहती है कि आखिर वो लड़का कौन है जो वहाँ खड़ा है। तभी चोजी
की तरफ वो बढ़ती है और चोची उसके तरफ हाथ रखते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी चोचो, और कहती है ये फीलिंग ये तो मेरे डैड है बट मुझे समझ नहीं आ रहा है आप कौन हो। इनो कहती है अच्छा तुमने उन्हें इस फॉर्म में कभी देखा नहीं है, और तभी चोचो अपने डैड को पहचान लेती है और वो कहती है कि क्या ये आकीमिची क्लैन का कोई जुत्सु है, क्या आप मुझे सिखाओगे। तभी नरूटो आता है और वो कहता है कि चोचो तुम्हें ढूंढ रही थी चोजोई, पूरी टाइम पे ये तुम्हें ही ढूंढ रही थी। जिसके बाद इनो सास्के को देख के कहती है तो तुम बहुत समय बाद आ रहे हो, और वो उसकी तरफ बढ़ती है बट शारदा उसके सामने आ जाती है और वो इनो को रोकती है, जिसके बाद वो स्माइल करते हैं। तभी अगला सीन में हम लैब में देखते हैं, करीन कहती है तुम बेवकूफ़ हो, ऑफ कोर्स शारदा साकुरा की ही बेटी है और ये सैंपल साकुरा का है मेरा नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम सास्के के लिए एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेजी थी, तो शायद कुछ हो सकता है। और वो कहती है कि मैं चाहती थी कि सास्के बस खुश रहे, और वो कहता है तो इसका मतलब अब तुम सास्के के ऊपर गिव अप कर दियो। और करीन सुगेत्सु को कहती है कि जाओ जाके तुम उसे नए पैर और ग्लासेस दो और उसे जाके माफ़ी मांग के सब कुछ सच बताओ। जिसके बाद साकुरा कहती है कि क्या तुम मेरी ही डॉटर हो, तुम ये कैसे सोच सकती हो, मैंने ही तुम्हें बर्थ दिया है। जिसके बाद वो कहती है मुझे माफ़ करना। सास्के कहता है इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, मैं भी इसी तरीके से लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंच जाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सास्के विलेज से जा रहा होता है और शारदा उसे कहती है कि आखिर आप अगली बार घर कब आओगे, और वो रोने लग जाती है। जिसके बाद सास्के कहता है प्लीज़ ऐसे फेसेस मत बनाओ, और यहाँ पर वो उसे हक करता है, और उसके बाद शारदा को थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर वो जैसे ही जा रहा होता है, जाने के पहले अपनी फिंगर शारदा के सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैं अगली बार मिलेंगे। जिसके बाद शारदा को याद आता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि जब तुम अपने डैड से मिलोगी तो वो फीलिंग समझ जाओगी। जिसके बाद वो समझ जाती है और वो ब्लश करने लगती है और अपनी मॉम को देखती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर साकुरा सास्के को उसका लंच देती है और सास्के की तरफ देख रही होती है और ब्लश कर रही होती है, बट सास्के बिना कुछ किए वहाँ से चले जाता है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शारदा कहती है कि मैं समझ गई मुझे क्या करना है, मैंने डिसाइड कर दी, और एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।